और इसलिए अंदर और बाहर की यात्रा से मेरा अभिप्राय यह है कि प्राचीन और अर्वाचीन और आधुनिक विद्याओं और विचारधाराओं का समन्वय हो ताकि नए नियम के निर्माण में समृद्ध परंपरागत विचारधारा का नियम शामिल हो। ये सही है कि तकनीक के विकास से आज अनेक लाभ हमें हुए हैं। कोरोना की महामारी के बावजूद तकनीक के कारण बच्चों को पढ़ाने में हम सफल हो पा रहे हैं बिना किसी बाधा के। वैक्सीनेशन की भी अगर मैं बात करूं तो तकनीक का ही परिणाम है कि आज हम इसमें सफल हुए हैं कि 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लगभग 70% नागरिकों को हमने वैक्सीनेट कर लिया। इन कई लोगों लगभग इस रीजन में 40% लोगों को मिल गई। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का भी वैक्सीनेशन तेज गति से करने की हम कोशिश कर रहे हैं और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, ये सच है कि देश ने जिस तरह की विपदा देखी शायद हमने वैक्सीन नहीं देखी, लेकिन ये भी सच है बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया। ऐसी नहीं हो सकती है जिसमें सबको संतुष्ट किया जा सके। हमारी पूरी संवेदना है उन परिवारों के साथ और संवेदनशील ढंग से उन परिवारों की सहायता और उनके स्थापन की जिम्मेदारी हम सबने ली है कि आवश्यक है कि तकनीक आधुनिक तकनीक का हम पूरा प्रयोग करें, लेकिन मन में यह सवाल बराबर उठता है कि इस विकास से क्या गुरु संबंधों में भी वह प्रगाढ़ता हम ला पाएंगे। मुझे लगता है कि ये जरूर आज के विचार का विषय होना चाहिए। गुरु शिष्य के संबंधों में प्रगाढ़ता कैसे आएगी मुझे लगता है कि सोचने की बात। मुझे संस्कृत क्षमा की, कोई गलती हो तो पंचे की क्षमा करिएगा। सरोसार उपनिषद के दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं। रजनी जी ओम प्राणा भवत धन गुणस्वीर करवा वही तेजस्वी नदी यानी हे प्रभु गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करें, हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और सिर्फ ये उपनिषद ही कर सकते हैं। सामान्य तौर पर गुरु तो यही कहेगा कि मैं सब कुछ जान चुका हूं सभी शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन मुझे रक्षा की और ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये उसका भाव हो सकता है। लेकिन यहां तो गुरु कह रहा है ये प्रभु रक्षा करना और दोनों को तेजस्वी बनाना, हमें भी और शिष्य को भी। मतलब गुरु में अभी भी सीखने की लालसा है, ललक है, पर्याप्त इच्छा है। ये हमारी संस्कृति की चेतना है और जो हमें संस्कृत प्रदान करती है। ये बात कहते हैं कुछ लोग टिप्पणी कर देते हैं बहुत आसानी से केरू विभाजिका। मुझे लगता है कि किसी भी ज्ञान की परंपरा को सीखना, किसी भी भाषा के विषय में जानकार होना या उसको पढ़ना, ये कहीं किसी चीज का विरोध नहीं और संस्कृत को खैर वो बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं दुनिया के। हिन्दुस्तान की जनता ने विज्ञान को नए आयाम जरूर दिए और एक बड़े प्रसिद्ध इंडियन स्कॉलर थे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, सब लोग जानते हैं, जिन्होंने विज्ञान का नाम सुना है। मुझे लगता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जर्मन के साइंटिस्ट से मिलने पहुंचे। आइंस्टाइन मिलकर के उनसे बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आप तो संस्कृत की मिट्टी से आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। जो इंडियन स्कॉलर गए थे उन्होंने कहा कि आज मैं संस्कृत नहीं जानता। ये सुनकर आइंस्टाइन बड़े मायूस हुए और बोले कि भाई संस्कृत भाषा नहीं तो कम से कम उसमें जो भाव है वह तो आपको पढ़ना चाहिए था। आइए मैं आपको दिखाता हूं, मैंने तो संस्कृत ग्रंथों के बहुत से अनुवाद अपनी लाइब्रेरी में रख रखे हैं। ये आइंस्टाइन के शब्द और आज लोगों को जानकर आश्चर्य होगा जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां संस्कृत पढ़ाई जाती है। न्यूक्लियर वेपन जो जनक है दुनिया में ओपेनहाइमर के भगवत गीता प्रेम के बारे में शायद जो लोग भी थोड़ा उनको जानते हैं या उनके बारे में पढ़े हैं ये सबको पता।
मैं मुलर का नाम आप सबने सुना है, वेद तथा उपनिषद के ट्रांसलेशन के साथ पाश्चात्य दुनिया को वेस्टर्न कंट्रीज के दर्शन को उन्होंने समृद्ध बनाया। इन सभी उदाहरणों के जरिए मैं आप सभी प्रबुद्धजनों से निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत में मानव जीवन के महत्वपूर्ण दर्शन को विभिन्न सभ्यताओं और भाषाओं में बांटा। यह ध्यान देने की बात है कि संस्कृत ने किसी अन्य भाषा पर कभी अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन हमारी खुद की उदासीनता की वजह से जनमानस में इसका व्यापक प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वाइस थी रजनी शुक्ला जी जिस विश्वविद्यालय से पढ़े करने वाली का नाम अपने सैनिक ने सुना होगा, उनकी मौत वही हुई जिस जनपद में मैं पैदा हुआ था, जिस वाली थी उनकी सब वही बनी। उसने भी संस्कृत के महत्व को समझा और जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई 1795 में उसमें कार्नवालिस का भी जो बाद में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बना, कार्नवालिस का भी योगदान। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऐसे अनेक वेद वेदांत पुराण और साहित्य मीमांसा न्याय दर्शन के विकास में इन लोगों ने अतुलनीय योगदान दिया, लेकिन देश तथा जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे इसकी श्री वृद्धि में कमी हुई। बनारस की तरह जम्मू कश्मीर भी सदैव से संस्कृत का महान केंद्र रहा और मैं मानता हूं कई बार इतिहास हमें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपनी विरासत को जीवन में वह उचित स्थान नहीं दिलाता। नीलमत पुराण, राज तरंगणी, अभिनव गुप्त की आत्मक्रांति के ज्ञान मुझे लगता है कि आज लाइब्रेरी और सेमिनार तक सीमित रह गए। हमारी संपत्ति कोशिश होनी चाहिए कि संस्कृत के पठन पाठन को सरल बनाकर आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक गुरुकुलों में विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जाए, ये व्यवस्था करने की आवश्यकता है। भाषा बातचीत की जो इस्तेमाल करते हैं इस बच्चे का मॉरल फाइबर बहुत मजबूत, ये मॉरल फाइबर कहां से आएगा? आज नई पीढ़ी उस ज्ञान से विकसित होगी तो केवल आज की समस्याओं की चुनौतियों से जूझने में भी वो सफल नहीं होगी, मुझे लगता है उससे भी वो भरपूर होगी। हम सबके ऊपर एक भारी दायित्व है, जिम्मेदारी है, सरकारी स्कूलों में संस्कृत विषय को प्रमोट किया जाए और सामाजिक तथा आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में संस्कृत का जो स्थान है, जो गौरव है, उसे पुनर्जीवित किया जाए। प्रयास हो रहा है और इस नई शिक्षा नीति का जिक्र किया डॉक्टर रजनीश शुक्ला जी ने, 5 ऑफिशियल भाषा के साथ साथ 11वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत को क्लासिकल भाषा के रूप में वैकल्पिक विषय के तौर पर शुरू किया जाए, ये प्रयास मुझे लगता है कि आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। मैं आभारी हूं और सुगमणि जैसे संस्थान से निकले हुए बच्चों के लिए भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो, हम जल्द ही इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। आज स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है विश्व की महान पुस्तकों में एक लाइट ऑफ एशिया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि इसके लेखक एडविन अर्नाल 1861 में सिर्फ संस्कृत सीखने के लिए भारत आए और बाद में अनेक ग्रंथों का संस्कृत से अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया। लाइट ऑफ एशिया अगर आज महान पुस्तकों में गिनी जाती है तो एक बात सबको ध्यान रखने के लिए कि इसके नीव में संस्कृत है और कुछ नहीं। मैत्री उपनिषद का एक सूत्र है, उत्तमा तत्व चिंतन, यानी तत्व का चिंतन सबसे उत्तम है और हमारी चेतना के विकास में सहायक है। इसलिए जब भी देश के नए लक्ष्य के बारे में योजना बनाएं तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है हम अपनी संस्कृति और तत्व के चिंतन के माध्यम यानी संस्कृति को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये हमारे लिए गौरव की बात होगी कि पुनर्स्थापन में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इन सब योजनाओं का जहां लोकार्पण किया गया है उसमें से कुछ पूरी हो गई है, उसकी आधारशिला रखी गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी
समय सीमा के भीतर पूरी होगी। मैं फिर से आप सबके प्रतिनिधि से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। जीडीसी चेयरमैन साहब ने, म्यूनिस्पर्टी के चेयरमैन साहब ने ज्ञापन दिए हैं, मैं जानता हूं। आज ये अवसर नहीं है कि मैं उन बातों की चर्चा करूं, लेकिन आप सदर्भ और आपकी जिला में समझता हूं और आज यही कह सकता हूं कि उचित समय पर उसके समाधान की कोशिश नहीं, व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। जितनी बात करता हुआ आप सबको एक बार पुनः हृदय प्रसाद हुआ करता हुआ अपनी बात में पूरी करता हूं। कोशिश की कम सपनों में अपनी बात रखूं, अगर कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं खेल पेश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ਸਾਵੇ ਘਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਵਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਹੀ ਵਾਏ Go down.
Thank you.